नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। चारों तरफ छठ पर्व की धूम मची है। ऐसे में दिल्ली में छठ घाटों पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रशासन का पूरा अमला छठ पर्व पर छठ व्रतियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयारियों में लगा हुआ है, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तरी दिल्ली में मॉडल टाउन सब डिविजन के SDM वीरेंद्र सिंह ने जाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट के छठ घाटों का मुआयना किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लेडीज से लेडीज ही बात करेंगे, ठीक है, जेंट्स बात नहीं करेंगे किसी भी हालत में। ज्यादा दिक्कत हो तो साथ में किसी को ले जाओ, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए उनके जेंट्स को बुला लेना। कलसवा के अलावा कौन कहां पर है? अच्छा ठीक है, ड्यूटी कहां है? जसपुर में, ठीक है। और लेडीज हो सकती है तो और आ जाएंगे, ज्यादा वो नहीं करना है। रात को कोई भी अगर दिया, जैसे लाशों के अंदर वहाँ पे जहाँ तक रेलवे का वो है, पूरी फेंसिंग कर देना, किसी हालत में अंदर ना जा पाए। टेंट वाले से भी अपनी फेंसिंग कर देनी। इन तैयारियों के बारे में जब हमारे सहयोगी ने SDM मॉडल टाउन वीरेंद्र सिंह से बात करी, तो सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। कि छठ दिल्ली में बहुत सारी जगह मिल रहा है, इसी संदर्भ में हमारे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में 55 से 60 ऐसी जगह हैं जहाँ पे छठ की हमने तैयारियां की है। इसी के अंदर हमारे मॉडल टाउन सब डिविजन है, जिसके अंदर हमारे पास 16 मेजर पॉइंट्स हैं घाट के। टोटल चारों कोनों को मिला के जो 4-5 जगह हैं, वहाँ 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अपनी आस्था के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ हमने सफाई, बाकी सारी चीज़ें, टेंट, कैमरा और इनका तो अरेंजमेंट करा ही है, पर इतनी बड़ी संख्या के लोगों के कोई जानमान का नुकसान ना हो, उस तैयारी के लिए आज हमने एक मॉक ड्रिल कराई है। मॉक ड्रिल का मकसद ये था कि कितनी एजेंसीज ऐसी आपदा में कितनी जल्दी यहाँ पहुँच सकते हैं। उसमें हमने एक भगदड़ की, किसी के डूबने की, किसी को हार्ट अटैक होने की, इस तरह की 3-4 मेजर ड्रिल्स कराई हैं, जो एक बड़े पर्व में किसी के साथ भी घटना घट सकती है। इसी के साथ हमने अपने तजुर्बे से यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया है, जिसे हम ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं, ताकि एम्बुलेंस या कैट्स की कोई भी एम्बुलेंस उस रास्ते से भगदड़ के से बचते हुए उन लोगों को टाइम से हॉस्पिटल ले जा सके। मैं आप सबसे यही आशा करता हूं और अनुरोध करता हूं कि छठ मनाइए और पूरी सावधानी के साथ और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। आपके छठ मनाने के साथ साथ आपकी जो जान माल का वो है, वो दायित्व भी हमारा है, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। सर, पहली साल से अभी की अपेक्षा बहुत अच्छा है, तो इसमें सर आप क्या बधाई देना चाहते हैं पब्लिक के? देखिए, दो चीज़ें हैं कि पब्लिक भी अब थोड़ी इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड जागरूक है। हम लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पटाखे ना छोड़ें, कोशिश करेंगे ये पटाखे अंदर तक भी ना जाएं। पब्लिक का थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है तो प्रशासन भी 2 कदम आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से आप जैसे आप देख रहे हो, पहले यहाँ पे 1 पॉइंट था, फिर 2 लोग हुए, अब यहाँ कम से कम 6-7 बड़ी बड़ी जो समितीज हैं वो यहाँ पर छठ का वो करती हैं, आयोजन करती हैं। उनके हरेक के लिए, 1-2 ऐसी हैं जो नई बनी हैं, उनके सब के लिए हम जितना अरेंजमेंट्स कर सकते हैं और जितनी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं।